नमस्कार, मैं हूं मनी ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जनपद मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक महिला ने अपनी ही 3 बेटियों समेत खुद की गर्दन काट डाली, जिसमें मौके पर एक बच्ची की मृत्यु हो गई। इस वारदात की सूचना से पुलिस महकमे में हलचल मच गया और आनन फानन में पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और जानकारी जुटाने में लग गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, लेकिन महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है कि महिला ने ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसा करने की क्या वजह है। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से विजय वर्मा की रिपोर्ट। खराब हुई थी। अच्छा। हाँ, उसकी जब भी बहुत तबीयत खराब हुई थी, उस दिवस दिमागी दौरे पड़े थे, मगर सही हो गए थे। रेगुलर उसका इलाज चलता है। इलाज हो रहा था। उसके कागज है, मतलब दिमाग के इलाज आ रहे है, कई डॉक्टर है जो उससे मतलब परमानेंट उसका इलाज चल रहा था। अच्छा जी। तो क्या पहले कभी ऐसी कोई हरकत की थी? नहीं, पहले तो उसने कभी ऐसे कोई हरकत नहीं करी, बस एक दफे करा था उसने। बस ये जो वो जच्चा थी, जब इसकी पिछली बार लड़की हुई थी, ये वो लड़की को लेकर टब में यहाँ बाथरूम में उसने उसमें डाल मतलब उसे बिठा दिया था। फिर सबने उसे बहुत डांटा वाटा उसके पैर पैर और बालों ने। तो फिर कोई ऐसे जब उसने कोई ऐसी बात नहीं करी थी, तो पता नहीं क्या हुआ एकदम अचानक जी। उसकी वजह से और कोई नहीं था ऊपर? नहीं, पता नहीं कोई था नशा जी। नहीं, बस ये रहती थी, वो दूसरी वो शायद थी नहीं यहाँ पे, बस इसके हम ये नहीं चले।